हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये हमें पता है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं ये भी हमें पता है, फिर भी मैं एक बार उन चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जनरली हम पढ़ते हैं दो तरह के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होते हैं कौन से, इंट्रिंसिक, और एक कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि प्योरली प्योर फॉर्म में होते हैं, है ना, प्योर फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर हम दो सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए एक को हम यूज़ जनरली हम जो यूज़ करते हैं, एक करते हैं सिलिकन और एक करते हैं कौन सा, गैलियम, ठीक है, जर्मेनियम सॉरी, एक करते हैं हम सिलिकन और एक कौन सा करते हैं हम, जर्मेनियम। तो अगर ये इनकी प्योर फॉर्म के अंदर है, मैं सिर्फ यहाँ पर दो की बात कर रहा हूँ, इनके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज़ होते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ। तो ये जब इनके प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं तो इन सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या ऐसा कह लो जब ये अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, तो इनकी जो करंट कैरिंग प्रॉपर्टी है, या कह लो कि कंडक्शन की जो इनकी कैपेबिलिटी है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, और इसको आप क्या बोल सकते हो, कंडक्शन एबिलिटी ऑफ किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी पुअर। तो इनकी जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है या जो कंडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कमज़ोर होती है, बहुत पुअर होती है। तो हमें चाहिए कि यदि हमें इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज़ करना है तो हमें इनकी कंडक्शन जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कंडक्शन एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इनके अंदर क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिलाने से क्या होता है, इनकी जो कंडक्शन एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर, या ऐसा कह लो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करा दी जाती है तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं ये कह रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि अपनी प्योर फॉर्म में है, उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। हमें अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कराना है तो हमें उसकी कंडक्शन एबिलिटी या करंट कैरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं। तो यदि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करा दिया जाए, ऐड इम्प्योरिटी को ऐड करा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हेन एन इम्प्योरिटी इज एडेड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो लेक्चर्स को। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं ये लेक्चर, अगर आप लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके। दूसरा क्या है कि जब आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा इस तरह के लेक्चर्स बनाऊँ, है ना। तो प्लीज़ जो लेक्चर्स हैं उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि इम्प्योरिटी को ऐड करा दे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये जो सेमीकंडक्टर है उसको हम नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर
और एक होता है कौन सा, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए हुए हैं, एक एलिमेंट है जर्मेनियम और एक एलिमेंट है आर्सेनिक। तो सबसे पहले तो हम ये डेफिनेशन या हम ये देख लें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जब एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब ऐसी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर शेल में, जिसके बाह्य कोश में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जिसके बाह्य कोश में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कहलाती है, पेंटावेलेंट। वो क्या कहलाता है, पेंटावेलेंट। इसी तरह से एक होता है टेट्रावेलेंट, ट्राईवेलेंट सॉरी। तो ऐसा एलिमेंट जिसके बाह्य कोश में यानी कि आउटर शेल के अंदर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्राईवेलेंट। उसको क्या कहते हैं, ट्राईवेलेंट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक पेंटावेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड कराया जाएगा, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा कौन सा, एक्सट्रिंसिक, उसको हम क्या नाम देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखेंगे, जब एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कौन सा, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक है ना, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, पेंटावेलेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर बाह्य कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट। तो जब एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई जाती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई जाती है तो ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, ऐसा सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब देखो, अब इसको समझे कैसे, इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने लिया एक एलिमेंट जर्मेनियम, हमने एक सेमीकंडक्टर ले लिया, कौन सा, जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 32, ये हमें पता है। और इस जर्मेनियम में हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के नाम पर ऐड कराया किसको, आर्सेनिक को। हम यहाँ पर दो एलिमेंट जो इम्प्योरिटी के तौर पर, मोटे तौर पर ऐड कराते हैं, ज़्यादातर जिनको ऐड कराया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक, वो होता है कितना, 33। और इसी तरह से एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 51। तो इसको समझने के लिए, हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए हमने जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटी ऐड कराई, जो वो कौन सी कराई, वो कराई हमने आर्सेनिक या एंटीमनी। ठीक है, तो आर्सेनिक या एंटीमनी की अगर बात करूं तो जैसा कि मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना, 33। एटॉमिक नंबर कितना है, 33। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इसको मैं अगर लिखूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो कितने हुए, 2, और ये 6 और 2 8, और ये 10 और 18, तो 18 और 8 कितने हो गए, और यहाँ पर आ गया 4s2 और 4p5, है ना, 4s2, 4p5। तो ये क्या आ गया, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आ गया। तो बाह्य जो कक्ष है, बाह्य कोश, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए बाह्य कोश में कुल कितने होने चाहिए, 8, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हो गए कितने, 5, 4p3 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो गए, 5 है। तो इसके बाह्य जो कोश है उसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मैं जर्मेनियम का
एटॉमिक नंबर देखूं तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 32। तो 32 के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6 और 3d10। तो ये कितने हो गए, 2 और 2 4 और 10, ये हो गया 28। तो यहाँ से आ गया 4s2 और 4p, 4p कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आउटर शेल है, इसके आउटर शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, वो कितने हैं, 4। और यहाँ पर कितने हैं कुल में, यहाँ पर है 5। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं, है ना, तो उन जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हम नाम देते हैं पेंटा वेलेंट। तो ये कौन सी हो गई, पेंटा वेलेंट हो गई। ठीक इसी तरह से कौन सी होगी, एंटीमनी होगी। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, एक आर्सेनिक और जर्मेनियम के क्रिस्टल लिया हुआ है। जर्मेनियम के देखो, अब आर्सेनिक जो है इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो इसको अपने को स्टेबल पोजीशन में ले जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, 3 चाहिएंगे। और जो जर्मेनियम है उसके पास कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट में 4। तो उसको अपनी स्टेबल स्टेट में आने के लिए कितने चाहिएंगे, 4। तो जब हम एक आर्सेनिक एलिमेंट को क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जर्मेनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐड कराते हैं, हम यहाँ पर लेके आ गए किसको, आर्सेनिक को, किसके अंदर, जर्मेनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर लेके आ गए। तो ये हमें पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि जब इनके आउटर शेल्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अस्थाई है यानी कि अनस्टेबल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं यानी कि सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जिस तरह से आर्सेनिक के पास कितने हैं, 5 हैं, तो इसने जर्मेनियम के साथ एक बना लिया, एक 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 एक, और ये हमें पता है कि जर्मेनियम भी इसको एक प्रोवाइड कराएगा, तो ये मिलकर कितने काउंट होते हैं, 2। तो 2 यहाँ से काउंट हो गए, 2 यहाँ से काउंट हो गए, 2 यहाँ से काउंट हो गए और 2 यहाँ से काउंट हो गए। तो कुल मिलाकर इसका जो आउटर शेल है उसमें कितने आ गए, 8 आ गए। इसी तरह से जर्मेनियम, जर्मेनियम भी बना लेगा, 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिल जाएंगे और 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्रिस्टल बढ़ता जाएगा। पर जो आर्सेनिक था उसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे कुल में, 5, जिसमें से 4 तो उसके जो है बैंड बनाने के काम आ गए, यानी कि कोवेलेंस बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बंध जो सहसंयोजी बंध है वो बना लिया। अब इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, यानी कि वो बंध बनाने में या बॉन्ड बनाने में काम नहीं आया, तो वो इस क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। तो ये तो है एक आर्सेनिक एलिमेंट को हमने ऐड कराया। तो जब हम एक पूरा क्रिस्टल बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे आर्सेनिक एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये जो इम्प्योरिटी है, ये जो इम्प्योरिटी है इसको हम नाम देते हैं कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए तो यहाँ पर जो कुल चार्ज इसके ऊपर रहेगा वो किराया क्या रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको लिख भी देता हूँ। तो जर्मेनियम, जर्मेनियम के क्रिस्टल में, क्रिस्टल में जब आर्सेनिक को इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड कराया जाता है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड कराया जाता है, ऐड कराया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी जर्मेनियम के साथ, जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन
फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में हो जाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं। एक्सेस का मतलब है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेस में हो गए। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए तो उसके ऊपर जो कुल उसकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। इस चीज़ को मैं आगे लिखूंगा, पहले इस चीज़ को हम इसको एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी बैंड से अगर हम इस चीज़ को समझे, तो एनर्जी बैंड, ये मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया हुआ है, अब इस चीज़ को हम समझेंगे किससे, एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन से। तो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर का मैं बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। मतलब जब हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कराया, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ने जो जर्मेनियम के चार इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ मिलकर पूरा का पूरा क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से जो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं हुए, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड पूरी तरह से क्या हुआ है, भरा हुआ है, पर एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया तो वो घूम फिर कर कहाँ पर आ गया, वो कंडक्शन बैंड में आ गया। तो इस तरह से कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ से हमें दो तीन पॉइंट देखने को मिलते हैं। क्या पॉइंट देखने को मिलते हैं कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो बहुत सारे नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि उत्पन्न हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर जब हम बात करें तो थर्मल एनर्जी की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बनते हैं, परंतु ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी संख्या ज़्यादा होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से। इसलिए जो कुल नेगेटिव चार्ज है या कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा एक्सेस में रहते हैं, किससे, होल से। इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है इसे हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बनते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स इन होल इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा होते हैं, इसलिए यह सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो एक बार अगर मैं इसको वापस से रिकॉल कर दूं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले हमने बात की सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक है वो क्या होता है, जो प्योर फॉर्म में होता है, और क्योंकि वो हमारे काम का नहीं होता, उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कैसे बनता है, यदि उसके अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करा दिया जाता है। इम्प्योरिटी के बेस पर दो तरह के हो सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। यदि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करा रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप। इम्प्योरिटी के लिए हम नॉर्मली दो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, एक होता है आर्सेनिक और एक होता है एंटीमनी। जब अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का जो आउटर शेल है यानी कि बाह्य कोष है, उसके अंदर 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यदि हम उसको जर्मेनियम के क्रिस्टल में लेके जाएं तो जर्मेनियम का जो आउटर शेल है हमें उसमें पता है 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
तो हम ये जानते हैं कि अगर उसको अपनी स्टेबिलिटी में आना है, किसको, जर्मेनियम को, तो उसको चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो चार कौन दे देता है उसको, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक से उसको जब चार इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पूरे बन जाते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो अगर एनर्जी बैंड थ्योरी से हमने देखा, तो एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने देखा कि जो वैलेंस बैंड था वो पूरी तरह से फिल था, परंतु जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। और ऐसे ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में हो गए, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है इसको हमने नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझाइए, तो आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो ये जो मैंने थ्योरी लिखी है अपने कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर यूजफुल होगी। तो अगर आप इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, लेक्चर को आप लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, और जो भी आपका रिलेटिव है या कोई भी है जो BSc में पढ़ता हो या उसको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह के लेक्चर्स और बनाऊँ। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।